देखो भाई, 11th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और लास्ट टाइम मैंने आपको जो 3.1 है ना वो स्टार्ट है मैंने आपको करवाई थी, और उसमें मैंने आपको बेस बता था भाई। अगर आपके पास कोई एंगल डिग्री में हो ना और आपने वो रेडियन में चेंज करना हो, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180 से। अगर आपके पास कोई एंगल रेडियन में हो और उसको आपने डिग्री में चेंज करना हो, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? 180 अपॉन पाई से करोगे मल्टीप्लाई। ये हमने पढ़ लिया। अब नई चीज देखो भाई, अब आगे का बेस आपका ये है। ये मान लिया कोई लाइन है भाई, इसका नाम होता फिक्स लाइन। क्या नाम इसका भाई? फिक्स लाइन को या फिर इनिशियल लाइन होता है। इसके ऊपर जो है ना एक लाइन और है, इसके ऊपर क्या भाई एक लाइन और होती है जिसका नाम होता है टर्मिनल लाइन, और जिसको आपने क्या करवाना होता है, रोटेट आपने करवाना होता है। मान लो उसको रोटेट करवा के आप यहाँ ले गए, तो इसका नाम होता है एंगल। इसका नाम क्या होता है? एंगल होता है। और इसका नाम होता है टर्मिनल लाइन। जो टर्मिनल लाइन है ना, अगर आप इसको पूरा रोटेट करवा दोगे, अगर इसको आप पूरा ही क्या करवा दोगे, रोटेट आप करवा दोगे, तो साथ में एक सर्कल भी तो बनता है। साथ में क्या भाई, एक सर्कल भी तो बनता है। तो इस सर्कल के बीच और इस एंगल के बीच भी तो एक क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए ना, और वो होता है भाई। देखो वो क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये सर्कल की कौन कहलाओगी? रेडियस कहलाओगी, जिसको हम आर से लिखेंगे। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये उसकी कौन होगा? आर्क लेंथ होगा। ये सर्कल की कौन होगा भाई? आर्क लेंथ होगा, जिसको हम एल से लिखेंगे। कौन है भाई ये? आर्क लेंथ होगा, और जिसको हम एल से लिखेंगे, इसका नाम होता है एंगल। बल्कि इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। तो इस थीटा के बीच, इस रेडियस के बीच और इस आर्क लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है ना, वो सुनो। इनके बीच में आपका रिलेशन होता है भाई, थीटा इक्वल टू होता है मेरा एल अपॉन आर होता है। या थीटा इक्वल टू कौन होता है? एल अपॉन आर होता है। और इस थीटा में जो है ना एक खास बात होती है भाई, सर्कल के केस में जब भी आप थीटा निकालोगे ना, वो हमेशा रेडियन में आएगा। किस में आएगा? वो रेडियन में आएगा। इस विषय काम की बात मैंने बोली है कि सर्कल के बारे में जब आप थीटा निकालते हो ना, वो किस में होता है? मेरा रेडियन में होता है। और सर्कल के केस में अगर आपको थीटा यूज करना हो ना, तो भी रेडियन में ही यूज करोगे। आएगा तो रेडियन में आएगा, यूज करोगे तो भी रेडियन में ही होना चाहिए वो, तभी आप यूज कर पाओगे यहाँ। तो कर लो भाई, तो मेन तो आपका ये फॉर्मूला ही है भाई। थीटा कौन है मेरा? एंगल। आर है सर्कल की रेडियस, और एल मेरी कौन है भाई? आर्क लेंथ होती है। और इस थीटा में क्या खास बात है? ये आएगा तो रेडियन में आएगा। अगर आपने फॉर्मूले में यूज करना हो, तो भी आपका जो थीटा है ना वो रेडियन में होना जरूरी है। क्वेश्चन देखो भाई, तुम पढ़ो एक्सरसाइज 3.1 का जो फोर्थ है ना, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ो भाई। फोर्थ का फर्स्ट इस चैप्टर में तो जो मेन है ना, वो आपके फॉर्मूले रहने वाले हैं भाई। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं ना, तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो दिक्कत है भाई। जैसे फोर्थ का फर्स्ट है, इफ का मतलब गिवन होता है। वैसे एल इक्वल टू कौन है? 25 सेंटीमीटर, और आर है मेरी भाई 1/2 मीटर है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने बतानी है, यानी सेंट्रल एंगल आपने बताना है। अब जिसको फॉर्मूला आता है ना, तो उसके लिए इसमें कुछ भी नहीं है भाई। इफ का मतलब गिवन, तो सॉल्यूशन तो गिवन आपको भाई एल इक्वल टू कौन है मेरा? 25 सेंटीमीटर है, एंड आर इक्वल टू कौन है? 1/2 मीटर। पर आप ध्यान से देखो, यहाँ तो सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है भाई। इसको सेम में करना पड़ेगा चेंज। तो इस मीटर के भी सेंटीमीटर बना दो। अगर आपने मीटर के सेंटीमीटर बनाने हो, तो इनटू में कौन? 100। तो आपका बनेगा 1/2 × 100, और आपका सेंटीमीटर में चेंज हो गया। काटना इसको 50 पे भाई, यानी कौन होगा मेरा? 50 सेंटीमीटर बनेगा। अब एल ये, आर ये है, और थीटा की वैल्यू बतानी है। तो फॉर्मूला भाई, तो थीटा फॉर्मूला होगा मेरा एल अपॉन आर। करो एल अपॉन आर। एल है मेरा 25, अपॉन में आर कौन है?
50 और क्या बेस बता था सर्कल के केस में जो थीटा है ना वो किस में आता है हमेशा रेडियन में आता है। तो काटना इसको एक बार 25 दूनी 50 यानी आपका आंसर होगा भाई 1/2 रेडियन होगा आंसर मेरा। और देखो भाई जैसे तुम पढ़ो फोर्थ का थर्ड पार्ट है भाई पढ़ना फोर्थ का थर्ड पार्ट है मेन देखो फॉर्मूले ही है भाई और इसमें कुछ खास है नहीं। तो फोर्थ के थर्ड में क्या लिखा हुआ है फोर्थ के थर्ड में लिखा हुआ भाई फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन आर्क यानी आर्क लेंथ आपने बतानी है एन एल की वैल्यू आपने बतानी है ऑफ रेडियस रेडियस कौन आपकी भाई 10 सेंटीमीटर विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और जो एंगल है ना वो है मेरा भाई 45 डिग्री है एट द सेंटर में। तो क्या को है कोई सर्कल है सर्कल के आपको क्या बतानी है आर्क लेंथ यानी एल की वैल्यू बतानी है और रेडियस कौन है 10 और थीटा कौन है मेरा 45 डिग्री है। और क्या बेस बता दा जब भी सर्कल के केस में आपने थीटा यूज करना हो तो भी रेडियन में यूज करोगे और आएगा वो भी किस में आएगा आपका रेडियन में ही आएगा। अब यहाँ पे थीटा आपका डिग्री में है तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ना तो थीटा आपका रेडियन में होना जरूरी है इसको पहले रेडियन में करोगे चेंज। और क्या बेस हमने पढ़ लिया अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से। तो सॉल्यूशन भाई तो गिवन आपको गिवन एक तो रेडियस आपको गिवन है रेडियस कोण है मेरी भाई 10 सेंटीमीटर है एंड एक थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री है पर जब भी आपको फॉर्मूला ये यूज करना है ना तो थीटा आपका रेडियन में होना जरूरी है तो करो इसको रेडियन में चेंज। तो 45 किससे मल्टीप्लाई डिग्री से रेडियन में करना है तो पाई अपॉन 180 से करोगे पाई अपॉन 180 अरे आपका रेडियन में चेंज हो गया 45 चौका 180 यानी आपका बनेगा पाई बाय 4 रेडियन। अब थीटा भी है आर भी है और एल की वैल्यू बतानी है तो यही करना पड़ेगा यूज तो करो यूज हुई तो देर फोर तो एल कौन होगा एल मेरा यहां से बनेगा आर इंटू थीटा बनेगा तो एल इक्वल टू कौन होगा आर इंटू में थीटा भाई आर कौन है 10 और पाई बाई 4 दो पंज 10 दो दूनी यानी आपका आंसर बनेगा 5π/2 अभी रेडियस आपकी सेंटीमीटर में है तो जो आर्क लेंथ वो भी किस में होगी सेंटीमीटर में ही होगी वो भी अगर ये मीटर में है तो मीटर में बनेगी फिर कर लो भाई। तो मेन बात आपको ये समझनी है भाई जब भी आपको थीटा एल और आर में से दो चीज पता हो ना और तीसरी चीज आपको बतानी हो तो हमेशा ये यूज करोगे फॉर्मूला। पर इस फॉर्मूले में खासियत क्या है इस फॉर्मूले में खासियत है भाई जो थीटा है ना वो रेडियन में होना जरूरी है। और देखो भाई और इसके जो है ना आपको क्वेश्चन कंटिन्यूअस नहीं करने जो जो मैं करवाऊं पहले आपने वो करने हैं जो बाकी बचे और बीच में रह जाएंगे ना वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अब पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना 11th एक बार 11th में लिखा हुआ है फाइंड दी बीच वाले आपने नहीं करने भी ये सारे मैं करवाऊंगा जो मैं करवाऊं पहले आपने वो करने हैं फाइंड दी डिग्री मेजर फाइंड दी डिग्री मेजर ऑफ दी एंगल ऑफ दी एंगल आगे स्टेटमेंट में बाद में पढ़ूंगा पहले यहां तक देखो फाइंड दी डिग्री मेजर। अब डिग्री में आप किसको करते हो मेजर एंगल को ही करते होगे यानी आपने एंगल बताना है और वो भी किस में बताना है डिग्री में बताना है यानी आपके बार आपको थीटा की वैल्यू बतानी है और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ भाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर
ऑफ डायमीटर कौन है भाई, 200 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ मेरी कौन है, आर्क लेंथ मेरी 22 सेंटीमीटर भाई। कोई सर्कल है और वो सर्कल जो है ना उसका सेंट्रल एंगल आपने बताना है, यानी थीटा की वैल्यू बतानी है, और डायमीटर कौन है 200, पर अपने तो काम की रेडियस होती है ना, तो अगर डायमीटर आपका 200 है तो रेडियस कौन होगी, उसकी हाफ हो जाएगी और एक एल की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन भाई, तो गिवन आपको डायमीटर गिवन है भाई, डायमीटर कौन आपका 200 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कौन होगी, अपने तो काम रेडियस होती है ना, तो देयर फोर रेडियस इसके हाफ हो जाएगी यानी 100 सेंटीमीटर बनेगी। एल कौन है भाई, एल इक्वल टू, एल है मेरा 22 सेंटीमीटर। अब थीटा की वैल्यू बतानी है, थीटा निकाल लो, तो देयर फोर तो थीटा मेरा होता है भाई एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, लिखो एल कौन है, एल है मेरा 22 और आर कौन है मेरा 100, और क्या बेस बता ना, इस फॉर्मूले से जो आप थीटा निकालोगे ना वो आपका किस में आएगा भाई, वो आपका रेडियन में आएगा, यानी आपका बन गया 2 से कटे ना, यानी 11/50 रेडियन। अरे 2 से काट दिया मैंने, और थीटा की वैल्यू कौन आ गई 11/50 रेडियन, पर हमने तो किस में बताना है, डिग्री में। अब वो काम आपका है, क्योंकि मैंने सिखा दिया कि अगर आपने एंगल रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई 180/π थे, फिर पाई से पाई आपका कटे कौन है, तो जहां पर पाई है वहां क्या लिखोगे 22/7। उसके बाद फ्रैक्शन बनेगा डिग्री के अंदर, तो जो फ्रैक्शन वो अलग करोगे उसको मिनट में फिर सेकेंड में, वो काम आपका, अगर ना हो तो मेरे से पूछ लेना। वैसे आपको ध्यान इस चीज का रखना भाई, जब भी फॉर्मूला आप ये यूज करोगे तो थीटा आपका रेडियन में आओगा वो, और इसका यूज करना हो तो भी आप रेडियन में ही यूज करोगे, तो थीटा आपका 11/50 रेडियन, पर वो तो डिग्री में पूछे हैं, तो ये हमने कल सीख लिया चेंज करना, तो आगे तुमने करना भाई। और देखो अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो, 13 में पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 13। एक बार 13 में लिखा हुआ है ए काउ इज टाइड, 13 है भाई ए काउ इज टाइड, स्टेटमेंट आप लिख लेना पूरी, टू ए पोस्ट बाई ए रोप, कितनी भाई 30 मीटर लॉन्ग, वो ये को है कोई गाय है और वो जो गाय है ना 30 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। उसके बाद इफ द काउ मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यानी वो ये को है जैसे मान लो खुट्टा नहीं बोले अगर, मान लो वो गाय यहाँ इस खुट्टे का जो है ना 30 मीटर की लंबी रस्सी से बंध रही है, 30 मीटर की लंबी रस्सी, और ये जो गाय है ना फिर वो क्या करे मूव करे, और वो मूव किस फॉर्म में करे, सर्कल की फॉर्म में करे, क्योंकि जो रस्सी है ना रस्सी आपको टाइट रखनी है, अगर आप रस्सी को टाइट रखकर ने इस गाय को मूव करवाओगे तो एक सर्कल नहीं बनेगा, और ये उस सर्कल की कौन होगी रेडियस होगी, और रेडियस कौन आपकी 30 मीटर बनेगी। उसके बाद कहो है हाउ फार विल इट हैव गोन व्हेन द रोप हैज ट्रेस एन एंगल ऑफ 105 डिग्री, वो ये कहो है ये जो गाय है ना ये गाय सर्कल के ऊपर कहां तक मूव करे, कहां तक चले कि उसका सेंटर के साथ जो एंगल है ना वो 105 डिग्री हो, मान ली ये गाय यहां से यहां तक आने में जो सेंटर के साथ एंगल है ना वो कितना बना गई भाई 105, तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है यानी एल की वैल्यू बतानी है। की बार कोई गाय है भाई वो 30 मीटर लंबी रस्सी से बंध रही है और वो गाय आपके मुंह कर रहे हैं और ये जो रस्सी है ना वो टाइट रखनी है, अगर रस्सी को टाइट रखकर ने आप गाय को मूव करवाओगे तो एक सर्कल नहीं बनेगा, और आपको कहा गया है वो इस सर्कल के ऊपर कितनी डिस्टेंस मूव करें, कितनी डिस्टेंस वो चले कि उसका सेंटर का जो एंगल है वो 105 हो, तो हमने मान लिया कि
कि गाय आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आई और जो उसका एंगल है सेंटर के साथ कितना बन गया 1.05। तो आपने डिस्टेंस बतानी है यानी आर्क लेंथ बतानी है और आपको थीटा भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। तो सॉल्यूशन भी तो रेडियस कौन आपकी, तो रेडियस आपकी 30 मीटर हुई और थीटा कौन है मेरा 1.05। क्या बेस बता दें, जब भी फॉर्मूला आपको ये यूज करना हो ना तो थीटा आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में होना जरूरी है। तो करो उसको रेडियन में चेंज, तो डिग्री में है ना और रेडियन में करना चेंज, तो किससे मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 दें, तो 1.05 इंटू में पाई अपॉन, तब आपका किस में चेंज हो गया ये रेडियन में। अब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू कौन होगी आर इंटू में थीटा, तो देयरफॉर एल इक्वल टू कौन होगा आर इंटू में थीटा। लिखो भाई आर है मेरा 30 और थीटा कौन है मेरा 105 पाई अपॉन में कौन 180। अब देखो आर आपका मीटर में है ना, तो आर का लेंथ भी आपकी किस में होगी मीटर में ही आएगी। अब कट्टा पिट्टी आपने करनी है, 3 6 18 जीरो से जीरो काट दें और तो शायद दें, 3 को कटें 3 2 6 3 3 9 3 5 15 यानी आपका आंसर बनेगा भाई 35π/2 मीटर बनेगा। और अगर आंसर के अंदर पाई की वैल्यू को रखे हो पुट तो वो भी कर लेना तुम पुट, और नहीं सही है जो भी लिखा हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ना 17 एक बार। देखो 17 में वो ये कहा है, मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। 17 में लिखा हुआ भाई दो शहर हैं, एक तो आपका मेरठ है भाई और एक दिल्ली है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कितनी आपकी भाई 64 किलोमीटर है भाई। फाइंड द एंगल, अब तुम सुनो, जो मेरठ और दिल्ली हैं तो आपके अर्थ के ऊपर ही, और अर्थ आपकी कैसी होती है, वो तो आपकी गोल होती है। वो ये कहो भाई जो मेरठ और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 64 किलोमीटर है। अब है तो ये अर्थ के ऊपर है और अर्थ आपकी गोल है, मान ले मेरठ आपका यहाँ है और यहाँ पर कौन आपका दिल्ली, अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन है मेरी 64 किलोमीटर, यानी एल की वैल्यू होगी, एल की वैल्यू आपकी। उसके बाद अब आपने बताना क्या है, आपने इसमें जो है ना ये जो दोनों टाउन है ना अर्थ के सेंटर के साथ कितना एंगल बनाते हैं वो बताना है। तो आप क्या करोगे, दोनों शहर को सेंटर से मिला दोगे, यानी ये वाला एंगल आपने बताना है, थीटा की वैल्यू बतानी है, और अर्थ की जो रेडियस है ना वो आपको कौन दी हुई है 6336 किलोमीटर है भाई, 6336 किलोमीटर दी हुई है, 6336 किलोमीटर आपको गिवन है। निकालो फिर थीटा क्या बनेगा, यानी एल कौन है, एल है मेरा भाई 64 किलोमीटर है कि मीटर है, 64 आपकी 17 है ना किलोमीटर है, 64 किलोमीटर है, और रेडियस कौन है, रेडियस आपकी 6336 है, और थीटा की वैल्यू बतानी है, तो थीटा की वैल्यू कौन होगी, थीटा की वैल्यू होगी एल अपॉन आर, यानी 64/6336, और ये किस में आओ आपका रेडियन में आओ। पर अगर आपका आंसर डिग्री में हो तो वो आपको चेंज करना आता है, तो वो फिर काम तुम्हारा, कर लोगे ये। तो जो मैंने करवाए है ना आज आपने सिर्फ वो करने हैं भाई, बाकी मैं ही करवाऊँ आपको, आप नहीं कर पाओगे बाकी वाले।